अभी हाल ही में आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि भारत सरकार ने अपील की है खाड़ी देशों से कि पुनः काम वहाँ जो शुरू हो रहा है उसमें भारतीयों को बुलाया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खाड़ी जो भी देश हैं इनमें एक बहुत बड़ी संख्या हमारी भारतीय लोगों की रहती है। वहाँ से वो लोग एक तरह से पैसे भी भेजते हैं आप लोगों को। तो याद रखिए, हम लोग इसे पूरा जान लेते हैं आपके खाड़ी देशों के बारे में और भारत के संबंध के बारे में उसमें। ये आपका इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनता रहता है और लिखित परीक्षा यानी कि मेंस में, फिर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका सिविल सर्विस हो आपका, ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वैसे भी आप लोग जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं तो उस समय अलग से आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो उस समय आप लोग पढ़ लीजिए और फिर करंट में जिस कारण से वो चर्चा में रहता है उसे भी पढ़ लीजिए, और लास्ट में आप लोग लिखित परीक्षा में इस तरह से दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं, ठीक है? भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जिसे आप लोग GCC के नाम से भी जानते हैं कि सदस्य देशों से उन भारतीयों को वापसी की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है जो महामारी से संबंधित प्रतिबंधों में छूट मिलने के पश्चात अब पुनः कार्य शुरू करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने जब फ्रांस का सहयोग किया, एक तरह से फ्रांस को अभी जो वहां चल रहा था विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस समय कई आर्टिकल आए होंगे, उसमें आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि हमें कच्चे तेल के जो निर्यात होता है हमारे यहाँ आता है यानी कि आयात करते हैं हम लोग, उस पर भी कई तरह से हमें झेलना पड़ सकता है, कुछ प्रतिबंध भी झेलना पड़ता है। या आप कहिए कि खाड़ी सहयोग परिषद है जो, ये हम लोग फ्रांस की तरफ झुकाव देखते हुए हमें इस तरफ से भी आपके प्रवासियों की तरफ से भी हमें कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है, लेकिन खैर देखिए आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार आप लोग मैप्स में देख लीजिए पहले, ठीक है? देखिए ये हमारा प्यारा भारत, देख रहे हैं आपके पड़ोसी हैं श्रीलंका हो गया, नीचे ऊपर म्यांमार हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश से आपकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, ये नेपाल भूटान चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसमें आप जाएंगे तो इस तरफ आपको खाड़ी देश, फारस की खाड़ी हो गई, अदन की खाड़ी हो गई, लाल सागर, अरब सागर, तो यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, ठीक है? यही आपके खाड़ी देश, नहीं आप लोग खाड़ी देश के नाम से जानते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के साथ आयोजित एक रणनीतिक वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने उल्लेख किया है कि बड़ी संख्या में भारतीय कामगार और पेशेवर अपना कार्य पुनः शुरू करने के लिए खाड़ी देशों में लौटने के इच्छुक हैं, क्योंकि अब देखिए कोरोना का टाइम लगभग खत्म हो चुका है, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपके देश में तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरह से चुनाव में आप देख रहे हैं, किसी ने सही लिखा है, कोई लिख रहा था अपनी ही फैमिली का कि वो सर अगर इतना अगर ध्यान उस समय दिया गया होता जितना अभी देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, हजारों गाड़ियां प्रचार कर रही हैं, तो एक भी मजदूर की जान नहीं जाती, एक भी इस त्रासदी को ना झेलता एक भी मजदूर, लेकिन आपने देखा है नेता रोड पर दिखे ही नहीं है। तो इससे आप लोग एक समझ जाइए कि नेता अपने बाप के नहीं होते हैं तो आपके क्या होंगे, इसलिए ही कहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और शिक्षा काम के नाम पर इस तरह के जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य मुद्दा हो, रोजगार, इस तरह के मुद्दों पर आप लोग वोट दिया करिएगा, ठीक है? इसका परिणाम आपके बच्चों को जरूर देखने को मिलेगा। इस दौरान भारत ने खाड़ी देशों को खाद्य पदार्थों, दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने का आश्वासन भी दिया है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से ही बीते कुछ महीनों में कई भारतीय नागरिक खाड़ी देशों से वापस लौट आए थे, खाड़ी देशों से नहीं बाकी जहां भी रहते थे हमारे भारतीय प्रवासी, लगभग बहुत लोग भारत में आ चुके थे। खाड़ी देश और खाड़ी सहयोग परिषद की अगर बात करें हम लोग, सामान्यतः जिन देशों की सीमा फारस की खाड़ी के साथ मिलती है उन्हें खाड़ी देश के रूप में संबोधित किया जाता है। जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो इसमें आप देखेंगे कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये शामिल है। याद रहे कि 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद के संस्थापक सदस्य, कितने? 6। यद्यपि ईरान व इराक भी फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं किंतु वे इस परिषद के सदस्य देश नहीं बन पाए हैं। कौन सा? ईरान और इराक। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कई बार क्वेश्चंस बन जाता है कि ये ईरान और ये इराक और ईरान, कि आपका पूछ लेगा कि खाड़ी जो परिषद है, सहयोग परिषद है, इसमें ईरान और इराक को शामिल किया गया है, तो याद रखिए इसकी फारस की खाड़ी से सीमा लगती है लेकिन इसे परिषद में शामिल नहीं किया गया। इन देशों को आपको याद रखना है, इसका कुवैत भी इसमें शामिल है, ओमान भी है, सऊदी अरब है,
संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है और बहरीन है, ईरान और इराक नहीं है। ठीक है, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, ओमान। ठीक है, ये खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की अगर हम बात करें तो आंकड़ों की माने तो भारत अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। साथ ही भारत द्वारा प्रेषण के माध्यम से भी सबसे अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है। अब आप सोचिए कि कोई जश्न मनाने तो नहीं जा रहा होगा सऊदी अरब या बाकी किसी भी देश में, और आप जानते हैं हमारे यहाँ से बहुत लोग बाहर रहते हैं, अमेरिका हो फिर चाहे किसी भी देश में हो, तो जो वो धनराशि भेजेंगे वहां कमाएंगे तो आपके ही देश में भेजेंगे ना, तो एक तरह से बहुत बड़ी धनराशि भी हम लोग प्राप्त करते हैं इससे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लगभग 8 मिलियन से अधिक भारतीय पश्चिम एशिया में रहते हैं। कितने? 8 मिलियन। और आप जानते हैं कि 10 लाख को मिलाकर 1 मिलियन बनाया जाता है, जिनमें से अधिकांश भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों जैसे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई में रहते हैं, और 40 बिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि प्रेषण के माध्यम से भारत को भेजते हैं। इससे याद रखिए कि हमारी जो एक तरह से आप कहिए कि हॉट करेंसी भी कहते हैं, जैसे आप लोग हॉट मुद्रा या गर्म मुद्रा, इसमें भी वृद्धि देखी जाती है। डॉलर में हमारे यहाँ जो धनराशि इकट्ठी की जाती है उसमें भी वृद्धि देखी जाती है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में भारतीय कामगारों की महत्ता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इन देशों में प्रवासी कामगारों का 30% हिस्सा अकेले भारतीय कामगारों का है। सीधा सा कहने का मतलब है कि जितने लोग भारतीय एक तरह से खाड़ी देशों में काम करते हैं उनमें से आप सोचिए कि 30% केवल भारतीय है। ठीक है, इस तरह के प्रवासी कामगार न केवल पेशर के माध्यम से भारत के लिए आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि ये खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें ही इससे फायदा नहीं है, वहां भी जो देश है इन्हें खाड़ी देशों को भी काफी फायदा होता है। अगर हम भारतीय प्रवासियों से संबंधित चिंता की बात करें अगर हम लोग, तो यद्यपि खाड़ी देश भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए एक प्रमुख स्थान है, किंतु इन देशों की रोजगार प्रणाली के कारण यही यहाँ प्रवासी श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे शोषण के प्रति काफी संवेदनशील हो जाते हैं। खाड़ी देशों में प्रचलित काफाला प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों के आवेदन और रोजगार की स्थिति के संबंध में पूरा अधिकार निजी नियोक्ता को दिया गया है, जिसके कारण कई बार निजी नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के शोषण की खबरें सामने आती हैं। कई खाड़ी देशों ने अपने यहाँ रोजगार की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें वर्ष 2019 में मजदूरी संरक्षण प्रणाली को लागू करना और विभिन्न भेदभाव रोधी नियमों को जारी करना शामिल है। अब आप ही लोग ही बताइए, आप लोग अपना राज्य छोड़ के जाते हैं, अपना गांव छोड़ के जाते हैं दूसरे राज्य में, तो क्या आपके साथ कितना भेदभाव होता है? आप लोग देखते हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश बिहार से हैं तो मुंबई जाते हैं तो भी आप लोगों ने विरोध देखने को मिलता है, आपका वहां भी शोषण किया जाता है एक तरह से। तो हमारे देश में अगर शोषण होता है तो बाहर हम लोग जाते होंगे तो किस स्थिति में रहते होंगे, आप बेहतर समझ सकते हैं इसे। ठीक है यार, कभी भी आप लोगों को कोई समस्या को समझना है, हकीकत जाननी है, तो आप लोग उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के देखा करिएगा, हर समस्या का सॉल्यूशन एक तरह से समाधान आपके पास आ जाएगा और आपको उस समस्या को भी मालूम चल जाएगा कि क्या समस्या है। वो कहते हैं ना कि दूसरे की समस्या हमें केवल मजाक लगता है और हकीकत क्या होती है समस्या उसको नहीं समझते हम लोग, तो हमेशा उसकी जगह सामने वाले व्यक्ति की जगह अपने आप को भी रख के देखा करिएगा। खाड़ी भारत के लिए खाड़ी क्षेत्रों का अगर महत्व यानी कि क्यों जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं उसे भी देख लेते हैं। भारत के लिए सदैव ही खाड़ी क्षेत्र का एक विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के सदस्य देश अपने आर्थिक एकीकरण प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत के लिए व्यापार है, निवेश, ऊर्जा, श्रम शक्ति जैसे क्षेत्रों में सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत भी हुए हैं। भारत ने 2019 में सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक परिषद के गठन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया थे और भारतीय कंपनियों की प्रौद्योगिकी, निर्माण, आतिथ्य और वित्त समेत विभिन्न क्षेत्रों में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में सक्रिय उपस्थिति भी है। खाड़ी सहयोग परिषद वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 121 बिलियन, आप समझिए 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार भी रहे, जिसमें आप देखेंगे तेल की आयात की हिस्सेदारी काफी अधिक है।
हम लोग, हमारे पास इतना कच्चे तेल के संसाधन नहीं है कि हम लोग अपनी आपूर्ति खुद कर सकें, इसलिए हम इन देशों से काफी आयात भी करते हैं। जीसीसी के सदस्य देश भारत की तेल संबंधी आवश्यकताओं के लगभग 34% हिस्से की पूर्ति करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप लोग 100 लीटर तेल, कच्चा तेल अगर उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें से 34 लीटर का योगदान किसका है? जीसीसी के सदस्यों का। हालांकि बीते कुछ वर्षों में भारत की तेल संबंधी आवश्यकताओं के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता काफी कम हुई है, क्योंकि भारत ने नाइजीरिया, अमेरिका और ईरान जैसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख किया है। ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के सदस्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भारत के दो प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं, जिनका वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः 60 बिलियन, यानी कि कहने का मतलब है कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारा 60 बिलियन डॉलर का, और सऊदी अरब के साथ आप देखेंगे 34 बिलियन डॉलर का के आसपास आपका द्विपक्षीय व्यापार है। इसके अलावा खाड़ी देश भारत के विकास की अहम जरूरतों जैसे ऊर्जा संसाधन हो गया, कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए निवेश के मौके और लाखों लोगों को नौकरी के भरपूर अवसर देता है। यानी कि आप बेरोजगार हैं, आप समझ रहे हैं, तो काफी समझिए कि इनका भी योगदान है कि जितनी नौकरी मिल रही है अच्छी बात है, वरना वो लोग यहाँ रहते भारत में तो आप सोचिए कि कहाँ रखते होने आप लोग, तो ये भी जरूरी है। जहां एक ओर ईरान भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध कराता है, तो वहीं ओमान पश्चिम हिंद महासागर तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है। बात कर लेते हैं महामारी और भारत खाड़ी देशों के संबंध के बारे में भी देख लेते हैं। भारत के लिए खाड़ी देशों की महत्ता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन देशों में कोरोना वायरस महामारी का प्रसार भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। और क्यों विषय बना हुआ है, आप सभी जानते हैं कि इन देशों में जैसे ही कोरोना फैला तो हमारे भारतीयों को बुलाया गया या वहां से आ गए वो लोग अपने देश में। ठीक है, इस तरह से आपकी रेवेन्यू जो भी है इस पर भी प्रभाव काफी देखा गया है। इस वर्ष की शुरुआत से ही खाड़ी देश कोरोना वायरस महामारी और तेल की कीमतों में गिरावट की दोहरी मार झेल रहे हैं, और तथा कुछ ही समय पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बीते 17 वर्ष के अपने निचले स्तर पर पहुंच गई थी। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि पानी से भी सस्ता डीजल हो चुका है, कच्चा तेल हो चुका है एक तरह से। इससे उन खाड़ी देशों की राजकोषीय स्थिति पर काफी प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुख्यतः तेल राजस्व पर निर्भर हैं। यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था एक तरह से कई देशों की तेल पर ही निर्भर रहती है। ऐसी स्थिति में कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस महामारी के कारण खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हो सकती है और यहां मंदी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है या देखी जा सकती है। तथा यदि ऐसा होता है तो इससे इन देशों में कार्य कर रहे प्रवासी श्रमिकों पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस परिस्थिति में भारतीय प्रवासी श्रमिक कोरोना वायरस से संक्रमित होने के जोखिम के अलावा अपने रोजगार को लेकर भी खतरे का सामना कर रहे हैं, और हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, कई लोग इससे परेशान है। महामारी और आर्थिक मंदी के कारण भारत वापस लौटने वाले लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था में समाहित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप सोचिए कि इतने ही लोगों को तो आप रोजगार एक तरह से उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बाकी लोग आएंगे तो कहाँ रखेंगे आप लोग, ये भी एक तरह से समस्या बनी हुई है। जो लोग वापस भारत लौट रहे हैं उनके संक्रमण की दर में बढ़ोतरी की संभावना भी काफी बढ़ गई है, जिसका मुख्य उदाहरण केरल में देखा जा सकता है, जहां महामारी के शुरुआती दौर में संक्रमण को रोकने में काफी सफलता मिली थी, किंतु जब प्रवासी श्रमिक केरल वापस लौटने लगे तो संक्रमण की दर में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि ये भारतीय जो भी प्रवासी ये बाहर से लौट रहे हैं तो ये भी एक तरह से कोरोना अपने साथ या इन्हें कोरोना संक्रमण पाए जाने के कारण वहां भी फैल रहा है। आप देखें कि केरल से काफी लोग बाहर रहते हैं विदेशों में। भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है यानी कि डॉलर के। 2018 में भारत ने प्रेषण के रूप में तकरीबन 79 यानी कि 79 बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त की थी, जिसमें आधे से अधिक धनराशि आपको खाड़ी देशों से मिली थी। इस तरह इन देशों में आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से भारत को प्रेषण से मिलने वाली आय में भी कमी आएगी, और यदि महामारी की स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो यह खाड़ी देशों को अपने कार्यबल की राष्ट्रीयकरण की नीति को सख्ती से लागू करने के लिए प्रेरित करेगा, और भविष्य में भारतीय सेवकों के लिए इन देशों में काम खोजना काफी चुनौती पूर्ण हो जाएगा। एक बात और आप लोगों को, आप सोचिए कि अभी आपने देखा है कि महाराष्ट्र ने कह दिया कि हमारे यहाँ
उत्तर प्रदेश बिहार से लोग नहीं आएंगे, हम अपने ही देश के अपने ही राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ समय पहले आपने एमपी का भी एक निर्णय सुना होगा, वहाँ के जो सीएम साहब हैं उन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में हमारे ही लोगों को हम लोग तहजीह देंगे, यानी कि एक तरह से आप कहिए कि बाहरी लोगों को नहीं लिया जाएगा सरकारी नौकरी में। तो आप सोचिए कि बाकी देशों में भी तो यही चल रहा होगा, अमेरिका को आपने देखा है वीजा को लेकर, कि पहले अपने एक तरह से आप कहिए कि अपने देश के लोगों पर हर कोई ध्यान दे रहा है, तो ये भी एक तरह से समस्या बनी हुई है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश जब अपना ही राज्य और भारत का राज्य, भारत का हिस्सा है, वो अगर इस तरह की भेदभाव की नीति बात कर रहा है, तो बाकी देशों को आप समझ सकते हैं क्या। वैश्विक महामारी के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से ही करता है, ठीक है। और आगे की राय इसमें क्या हो सकती है, खाड़ी देशों में कारगर भारतीय श्रमिकों के रोजगार के खतरे को देखते हुए भारत को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने उपायों के समर्थन में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देना होगा। विदेशों में खासतौर पर खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय प्रवासी श्रमिकों की सहायता और स्वच्छता, भोजन एवं स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना और भारतीय समुदाय कल्याण कोष आदि का उपयोग किया जा सकता है। भारत को इस संकट से बाहर निकलने के बाद अपनी एक्ट वेस्ट नीति को विस्तार देना चाहिए। एक तरह से आप कहिए कि कोरोना वायरस ने बहुत बुरी तरह से अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, आप शायद समझ भी नहीं सकते हैं। और एक तरह से एक भी सही है कहिए कि आप लोग ना पढ़े लिखे होने का यही एक तरह से नुकसान है। आज देखिए बिहार में आप लोग किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, वो तो अच्छी है कि आप सोचिए कि जैसे हमारा शरीर है इसका हम लोग चेकअप नहीं करवाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा इसमें कितनी बीमारियां हैं। तो अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग कम बिल्कुल कर दी गई है। आप सोचिए कि लाखों की भीड़ जुड़ रही है, उसमें आप सोचिए कि दो चार कोरोना पॉजिटिव पाए गए होंगे, तो आप सोचिए कितने लोगों में उसने एक तरह से प्रसारण यानी कि फैला दिया हुआ। खैर छोड़िए उसे, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री को देखिए, कोरोना में कहा जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको मतलब क्वारंटीन होना चाहिए, एक तरह से आपको रेस्ट करना चाहिए, सीधी सी बात। लेकिन वहां आपने देखा है कि कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद भी वो मंत्री उप मुख्यमंत्री साहब प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग उनसे चिपक के एक तरह से चल रहे हैं, तो कितने लोगों में प्रसारण हुआ होगा। वही है कि हमें मालूम है कि हम नहीं पढ़ेंगे और फेल हो जाएंगे, तो 100% बात है, और फिर भी हमें जानकर भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, या कह दीजिए कि आगे मालूम है किसी ने बताया कि वो खाई है गाड़ी अच्छे से चलाना है या रोड खराब है, लेकिन हम फिर भी मालूम है हमें, फिर भी हम जान के उसमें जागे रहे हैं। तो वही स्थिति आपकी देखी जा रही है, इसमें भी किसी भी देश के किसी भी हिस्से में मुझे नहीं लगता है कि अब लॉकडाउन का कोई या कोरोना संक्रमण के कोई खतरा दिखाई दे रहा है, सब लोग भूल चुके हैं। अभी बाहर ही निकली आप लोग कोई मास्क लगाए नहीं मिलता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं कहीं गया हुआ था, वहां मैंने देखा है मैं अकेला मतलब मास्क लगाए हुए, बड़ा अजीब भी लगता है कि मतलब आप खुद सोचिए कि एक मतलब मास्क लगाए हुए हो बाकी सब घूम रहे हैं। तो मैंने भी मतलब मैं तो लगाए रहा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, ठीक है। चलिए यही है आपकी कहानी खाड़ी देशों और जो भी आपकी सहयोग परिषद है उनके और भारत के बीच, तो इसके जो भी पॉइंट रहा करें उन्हें आप लोग ये एक नोट बना ली करिए, नोट शॉर्ट नोट जिसे कहते हैं, जब आप लोग परीक्षा देने जाते हैं उस समय आप लोग एक तरह से क्या किया करिएगा, रिविजन कर लिया करिए। वैसे आपके जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्हें हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, अगर उसमें छूटा है कोई देश कोई संगठन या कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो उसे बताइए, उसे भी कोशिश करने पूरी करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है।